हेलो, नमस्कार दोस्तों। शाम का समय है और हम आए हुए हैं अपने खेत पर। संडे के संडे ही समय मिल पाता है हमें अपने खेत पे देखने के लिए। और ये हमारे गेहूं की फसल है जो हमने उगाई है। ये धान काटने के बाद इसमें गेहूं बोए थे और उसके बाद बीच में इसमें पत्ती पीली होने लगी थी, रोग लग गया था। लेकिन अब इसमें जब खाद और स्प्रे वगैरह सिंचाई उचाई की है तो अब देखो कितना अच्छा हमारा गेहूं होने लगा है। और खेत पे आए तो दिल खुश हो गया कि गेहूं में काफ़ी सुधार हुआ है। और ये देखो मेथी है और ये पालक है, ये पालक है और ये धनिया है। ये यस इधर आओ वापस। ये धनिया है, ये देखो ये धनिया है। और हम अपने खेत पर हैं, एंजॉय कर रहे हैं खेत पे। और ये हमारा यश है और हम दोनों लोग खेत में आए हुए हैं। यश से बात करो, यश बात करो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम खेत पे आए हुए थे पापा के साथ। और ये हमारा नींबू का पेड़ है, हमने आपको बताया था कि इस पे देखो छोटे छोटे नींबू आ रहे हैं। और ये हमारा डबल व्हील इंजन है जिससे सिंचाई होती है। और ये देखो साथियों, ये हमने खेत में बांकला लगा रखा है, ये बांकला का फूल आ रहा है, ये देखो। और ये हमारा गेहूँ है, कितना कितना अच्छा, काफ़ी खुशी मिलती है जब अपनी फसल को देखते हैं कि शाम का समय है, सूर्य अस्त होने वाला है और हम अपने गेहूं में जरा अंदर घुस के देखते हैं कि पत्ती पीली होना कम हुई नहीं हुई। फिलहाल अब धीरे धीरे काफ़ी सुधार होने लगा है और ये भी प्रभु की इच्छा है कि बीच में तो बड़ा परेशान होने लगा था मैं कि सब पत्तियाँ पीली हो रही थी पूरे खेत की और विद्यालय से समय नहीं मिल पा रहा था छुट्टी का, तो मैं सोच रहा था इसमें सिंचाई भी करनी है, स्प्रे भी करना है। लेकिन संडे के दिन समय निकाल कर इसमें सिंचाई की और दवाई लगाई तो उसके बाद में अभी फसल हमारी अच्छी है। काफ़ी सुकून मिलता है जब अपनी फसल को देखते हैं कि अगर ठीक होती है, जिस तरह से घर में परिवार का कोई सदस्य होता है अगर वो ठीक होता है, स्वस्थ होता है तो खुशी मिलती है, उसी तरह अपनी फसल को जब देखते हैं ठीक होती है तो काफ़ी दिल को सुकून मिलता है। ठीक है, गुड बाय दोस्तों।